हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल द द्रोणास। मैं सिसिल दीवान आप लोगों का जनरल स्टडीज़ का टीचर आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल जियोग्राफी वीडियो। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहां पे हम एक टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी कम जो है देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर जो है स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर डाउट हमेशा ही रहता है। मैटर ऑफ फैक्ट कई बार जो है आप लोग के एग्जाम्स चाहे वो UPSC हो या फिर WBCS हो, वहाँ पर ऐसे रिलेटेड कम से कम एक सवाल अक्सर आते रहते हैं। अब बात यहाँ पे यही आ जाती कि ये जो एक सवाल है, एक सवाल अगर इस एक सवाल को हम अगर सही ढंग से अटेंड कर लेते हैं और अगर हमारा ये एक सवाल भी अगर सही हो जाता है ना, ये एक सवाल हमारे सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन ना होने पे डिपेंड कर जाता है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। हमारा भारत जो है काफ़ी सारे नदियों का जो है घर है, जहाँ पे आप गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्र ले लो, इंदस ले लो, वहीं साउथ दक्षिण के तरफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ना जाने कितने किस्म के नदियाँ। हर एक नदी जहाँ से शुरू होती है, चाहे वो किसी भी प्रांत हो, किसी भी एरिया से अगर कोई नदी शुरू होती है तो वो जहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, मान लो यहाँ से एक नदी, इस एरिया से ये ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी शुरू हुई बहना और बहते बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो गई, एक डेल्टा बना के वो ख़त्म हो गई। नाउ आप जो ये एंटायर स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इसे ही कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। ये एंटायर स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। और स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ ड्रेनेज पैटर्न तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जहाँ पे जो है नदी खत्म हो रही है, इसे कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न इन रियलिटी। अब बात आ जाती है ड्रेनेज, हम जाते हैं नाला, ड्रेन, जहां पे पानी जो है इस्तेमाल किया हुआ, बीच में जो है एरिया, वो सारे एरिया जहां पे पानी वगैरह जो है ड्रेन से बहती हुई जाती है, सड़े हुए पानी, और जाके गटर में वो स्टोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से ये जो नदी है, कोई भी नदी हो, उनके भी पानी जो है ड्रेन हो जाते हैं कहाँ पे, समुंदर में। समुंदर में ये ड्रेन हो जाने के बाद ये समुंदर में मिल जाते हैं और जहाँ पे, जिस जगह पे ये समुंदर पे मिलते हैं उसी जगह पे क्या होता है, एक नदी का अंत होता है, मतलब वो नदी जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वही उसका आउटफ्लो होता है। ठीक है, चलो इसके पहले कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न पढ़े जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है डेनुडेशन। अब ये डेनुडेशन चीज़ क्या है ये थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं। इट इज़ द जेनरल लोअरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, इट ऑकर्स ड्यू टू इरोशन ऑफ द सरफेस बाय विंड, वाटर, एयर। दिस एजेंट्स टेक्स द मटेरियल टू द लोअर सरफेस और द सी। डेनुडेशन यानी एक ऐसी प्राकृतिक परिस्थिति, एक ऐसी प्राकृतिक फीचर है जहाँ पे जो अर्थ सरफेस है ना वो लो होता जाता है, उसका जो स्तर है नीचे घटता जाता है। यानी अगर कोई चीज़ ज़मीन हाइट पे है, डेनुडेशन की वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है और कम हो जाती है। और ये क्यों होता है, ये अक्सर होता है हवा के वजह से, जब ज़्यादा ज़ोर से आंधी तूफान चले, पानी के वजह से, जब पानी अक्सर ज़मीन के ऊपर बहती रहती है, जाहिर सी बात है पानी को भी बहने के लिए ज़मीन चाहिए। पानी क्या करती है, ज़मीन के छोटे छोटे कणों को अपने पानियों के जरिए, यानी नदी अपने पानी के जरिए जो है एक जगह से दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर देती है। और सेम यही चीज़ करती है एयर, हवा। अगर आप राजस्थान में जाओगे, गुजरात में जाओ, वहाँ के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे ये डेनुडेशन बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को, इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है डेनुडेशन। अब हम डेनुडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जाहिर सी बात है, सोच लो कि ये एक पॉइंट है जहाँ से एक नदी शुरू होती है। ठीक है, यदि अर्थ सरफेस ऐसा ऊपर हो रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, जाहिर सी बात है जो नदी है वो भी इसके ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि नदी को पानी, नदी के पानी को बहने के लिए जो है एक लोअर सरफेस की ज़रूरत है। जितना सरफेस नीचे होगा पानी की धारा जो है उसी डायरेक्शन में ही बहेगी। ठीक है, और डेनुडेशन इसीलिए ही हम पढ़ रहे ताकि हम समझ सकें
कि किस प्रकार से डेनुडेशन प्रोसेस के जरिए, डेनुडेशन के प्रक्रिया के जरिए जो है ये विभिन्न प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो है नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में जाके समुद्र के साथ मिल जाती है। चलो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ अ रिवर। ठीक है, रिवर किसी भी नदी का स्रोत, किसी भी नदी का स्रोत वो एक स्प्रिंग वाटर हो सकता है, वो एक लेक हो सकता है, वो एक दलदली इलाका एक मार्शी लैंड हो सकता है, या फिर वो एक ग्लेशियर यानी बर्फीला एरिया हो सकता है। ग्लेशियर मैं उसे ही कहूँगा, खास करके हमारे भारत में ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर हिमालयन रिवर्स के ओरिजिन होते हैं, ये हिमालयन रिवर्स के जो है अक्सर ओरिजिन होते हैं, खास करके गंगा, उसके बाद इंदस, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ऐसे नदियों के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, द सोर्स इज मोस्टली एन अपलैंड रीजन वेयर देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन एंड हैव स्टीप स्लोप थ्रू विच वाटर कैन रन डाउन एंड मूव फॉरवर्ड, देयरफॉर अपलैंड्स आर सेड टू बी कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। ठीक है, सोर्स वही एक ऊंचा स्तर का एक जगह है जहाँ पे बर्फ होते हैं और वो बर्फ भारी मात्रा में पिघलते हैं, जब वो बर्फ पिघलते हैं वो एक पानी का रूप ले लेते हैं, और यही पानी जब बहती हुई नीचे की तरफ जाती है, नीचे डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो वो क्या करती है एक नदी का रूप ले लेती है। इसीलिए ही ऐसे सोर्सेस को हमेशा कैचमेंट एरिया कहा जाता है, कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और है, देखो वाटर डिवाइड और वाटर शेड। अब ये वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड क्या होता है, इज फॉर्म एट द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, फ्रॉम दिस वाटर डिवाइड द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप एंड स्टार्ट इट्स जर्नी टू रीच द ओशन। इन वाटर डिवाइड्स के जरिए, वाटर डिवाइड्स और कुछ नहीं होते, ये बेसिकली पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ क्या करते हैं, ये पहाड़ एक डायरेक्शन देते हैं, एक डायरेक्शन किसको, नदियों को डायरेक्शन देते हैं, जिसके जरिए नदियां जो है उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए नीचे समुंदर के पास जाके मिलती है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते, सपोज कि आप सैटेलाइट से इमेज देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ है, मैं ऐसे बना रहा हूँ पहाड़ को, यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पहाड़ है, ये सारे पहाड़ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक नदी बहना शुरू कर रही है, ठीक है, वो नदी यहाँ से शुरू होती है, अगर वो नदी यहाँ से शुरू हो रही है तो बहती हुई यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्योंकि ये पहाड़ है इसके साइड से होता हुआ ये यहाँ पे टकराएगी इस पहाड़ के साथ और यहाँ पे घूम जाएगी, फिर यहाँ से ये इस साइड में मुड़ जाएंगी, ठीक है, मुड़ने के बाद यहाँ पे इस पहाड़ के साथ टकरा के फिर इस साइड में आएंगे, फिर यहाँ से ये ऐसे गुजरते हुए समुंदर में मिल जाएंगे, है ना। तो देखो किस तरीके से चाहती, अगर यहाँ पे ये सारे पहाड़ वगैरह नहीं होते तो ये नदी जो यहाँ से शुरू है ना चाहती तो ये नदी सीधा यहाँ पे आके ख़त्म होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पहाड़ है जिन्होंने इस नदी को डायरेक्शन दे के रखा है, इसलिए ये नदी यहाँ पे समुंदर के साथ ना मिल के यहाँ पे मिल रही है। और ऐसे प्रकार से वाटर डिवाइड्स या फिर वाटर शेड्स जो है, जिसका एक और नाम हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर दोअप, ठीक है, ऐसे जो फिजिकल फीचर्स है ये ड्रेनेज पैटर्न को फॉर्म करती है, ड्रेनेज पैटर्न को फॉर्म करने में हेल्प करती है अक्सर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स, सॉरी द कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स मूव ऑन द सरफेस एंड इज जॉइंड बाय सेवरल अदर स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज आइदर एट राइट एंगल और ऑब्लिकली डिपेंडिंग ऑन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई रॉक्स एंड देयर अलाइनमेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिवर पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स, यानी रिवर पैटर्न्स जो ड्रेनेज पैटर्न है जिसका एक और नाम है रिवर पैटर्न, जैसा ये हो गया रिवर पैटर्न, ठीक है, पत्थर शिला के आधार पर विभिन्न, ये जो पहाड़ वगैरह है पठारी इलाका जो प्लेटूस है ये क्या है पत्थर, ये तो है बड़े बड़े चट्टानी है,
तो शिला के आधार पे यानी चट्टानों के आधार पे जिस प्रकार के जो है ड्रेनेज पैटर्न, नदियों का जो पैटर्न है फॉर्म होता है, उसे जो है अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है डेंड्रिटिक ड्रेनेज। डेंड्रिटिक ड्रेनेज अब ये कैसा होता है, डेंड्रिटिक से डेंड्राइट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। जड़, एक पेड़ होते हैं, पेड़ का जो निचला जो जमीन के नीचे जो जड़ होता है ना कुछ ऐसा, इसी इसी शेप को, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है डेंड्रिटिक ड्रेनेज। कुछ ऐसे मतलब ड्रेनेज पैटर्न जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे ही कहा जाता है डेंड्रिटिक ड्रेनेज। इफ द रॉक्स आर होमोजेनस इन स्ट्रक्चर एंड ऑफर सेम रेसिस्टेंस थ्रू आउट द सर्फेस, द नियर बाई ट्रिब्यूटरीज विल ज्वाइन एट द कॉन्क्रीट कॉन्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी एट एन ऑब्लिक एंगल एज एन इन सिक्वेंट स्ट्रीम। द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इवॉल्व लाइक इट विल अपियर इन द शेप ऑफ अ ट्री। ठीक है, ये देखो ट्री का जैसा विथ न्यूमरस ब्रांचेस, दिस इज कॉल्ड ड्रेनरिटिक या फिर ड्रेनरॉन मीन्स ट्री लाइक। यानी काफी सारे सपोज ये एक मेन नदी है, ये मेन नदी है और काफी सारे जो ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदी वो इस मेन नदी को ऐसे ज्वाइन कर रही है। यहाँ से एक नदी ज्वाइन कर रही है, यहाँ से एक नदी ज्वाइन कर रही है, यहाँ से एक नदी ज्वाइन कर रही है। तो देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ये एक ट्री के ब्रांचेस के जरिए, टहनी के जरिए, डालियों के जरिए, डाली जैसा जो है दिखने में लग रहा है। तो ऐसे पैटर्न को जो है कहा जाता है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, डेंड्रिटिक जिसका मतलब है ट्री लाइक, पेड़ की तरह दिखना। ये देख लो, इमेज देखने पे और भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये है मेन रिवर, ये जो रिवर है ना ये है मेन रिवर। ओके, और ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो किस प्रकार से ये ट्रिब्यूटरीज जो है इसको मेन रिवर को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारे ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, देखने में पता नहीं क्यों ये पेड़ के जड़ जैसा लग रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ड्रेनरिटिक स्ट्रक्चर और ट्री लाइक स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज। अब ये ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज क्या है ये हम जान लेते हैं। इफ रॉक्स आर नॉट होमोजेनस यानी जो चट्टाने हैं यदि वो चट्टाने एक ही प्रकार के नहीं होते, कुछ चट्टाने एक प्रकार के होते, कुछ चट्टाने अलग प्रकार के होते। बेसिकली चट्टाने तीन प्रकार के होते, आई होप सभी को पता होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामोर्फिक। यदि आप इन तीन वीडियोस मतलब इन तीन टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इसके बारे में मेंशन कीजिएगा, तो इसके लिए मैं हमेशा एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, खैर, तो जब कोई भी रॉक वो अगर एक किस्म का ना होता है, ठीक है, वो अलग अलग किस्म के होते हैं एंड आर मेड ऑफ एन ऑल्टरनेट लेयर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, और वो किसी हार्ड और कोई भी एक रॉक जो है, चट्टान जो है वो हार्ड सख्त लेयर और सॉफ्ट लेयर का बना हो, सो वेन द स्ट्रीम्स ज्वाइन द मेन रिवर बाई इरोडिंग द सॉफ्ट रॉक्स एट राइट एंगल इट इज कॉल्ड ट्रीलाइज्ड ड्रेनेज। ठीक है, और जब ऐसे रॉक्स के साथ पानी नदी टकराते हैं, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो जहाँ पे जो पानी है वो ऐसे पत्थरों के साथ राइट एंगल में जाके टकरा रहे हैं, तो जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है उसे कहा जाता है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ये ऐसा ऐसा देखो कि यहां से जब पानी यहाँ पे बहती हुई जा रही है, यहाँ पे ये इस चट्टान से, इस पहाड़ से टकराए, इसका एंगल कितना था, राइट एंगल था ना। फिर यहां से जब ये पानी सीधा यहाँ से यहाँ पे टकराए, इसका भी एंगल राइट। यहां से जब ये पानी यहाँ पे आई नदी का पानी, ये भी राइट एंगल। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही कहा जाता है ट्रिलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है,
स्ट्रेलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रेलाइज एंड रेक्टेंगुलर ड्रेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेलाइज एंड ड्रेन दोनों में कुछ फर्क है, फर्क क्या है वो अभी पता चल जाएगा। पहले हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज व्हेन स्ट्रीम्स जॉइन द मेन रिवर्स थ्रू द स्पेस बिटवीन हार्ड रॉक्स विदाउट एनी इरोशन एट राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। ठीक है, जब सोच लो ये नदी है, ये मेन रिवर है, ठीक है, ये मेन रिवर है और जितने भी सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरीज वो चट्टानों के बीच पहाड़ों के बीच से जगह ढूंढ ढूंढ के जो है नदी के वो ज्वाइन कर रहे हैं। कौन से एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब जैसा कि मैंने कहा ट्री लिस्ट और रेक्टेंगुलर सुनने में जो है अभी अभी जैसा डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा सेम लगता है कि दोनों के दोनों जरूर सेम टू सेम हो गए, लेकिन यदि हमें दोनों में फर्क करना है तो हम फर्क कर सकते हैं। और वो फर्क हम कैसे करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, रेक्टेंगुलर एंड ट्री लिस्ट ड्रेनेज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसेस इन द स्ट्रीम्स। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज इज फॉर्म व्हेन स्ट्रीम्स आर वाइडली स्पेस्ड। ट्री लिस्ट ड्रेनेज कंसिस्ट नैरो स्पेस्ड स्ट्रीम्स। कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, जो चट्टान या फिर जो पहाड़ी इलाके है उनके बीच में जो है डिस्टेंस गैप ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो लोग कह रहे कि ऐसे जगह पे जो दो चट्टानों के बीच में जो है गैप वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, गैप काफी ज्यादा होता है। जबकि ट्रिलिस में क्या होता है, ट्रिलिस में गैप ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। और अच्छे से समझाओ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये एक चट्टान हो गया, यहाँ पे एक चट्टान हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक और चट्टान है। तो कोई भी नदी का पानी जो यहाँ से गुजरता हुआ इस नदी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला हो जाएगा आप लोगों का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर या फिर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है। वहीं ट्रिलिस में क्या होगा, ट्रिलिस में जो है गैप कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, ऐसे टाइप का, बहुत ही कम। देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े गैप थे और यहाँ पे छोटे छोटे गैप है, नैरो गैप है। ऐसे नैरो गैप से जब कोई पानी का धारा या फिर सहायक नदी जो है मेन रिवर को ज्वाइन करती है तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न। ओके, अच्छा, इसी दौरान इस क्लास के बीच में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट द द्रोणास में WBP SI Exercise Mains WBP Constable का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, हो रहा है, वो चल रहा है। अगर आप लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो कृपया करके जो है इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, 8436900456। ठीक है, आप कभी भी इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, हमारा सर्विस 24/7 अवेलेबल हमेशा ही रहता है। जो जो स्टूडेंट्स अपने जीवन में इसी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि उन्हें एक सरकारी नौकरी पानी है, आई कैन अश्योर यू स्टूडेंट्स द्रोणास ही वो सही जगह है, द्रोणास ही वो जगह जो आपके सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है। और यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो द्रोणास ज्वाइन करिए। द्रोणास ज्वाइन करने का मतलब यही होता है कि आप अपने सपनों के करीब जो है एक कदम और आ गए हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आज का टॉपिक फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस, डेंड्रेटिक ये तीन टाइप के ड्रेनेज पैटर्न हमने पढ़ लिए। अब जो है हम एक और चौथे टाइप के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रेडियल ड्रेनेज। अब ये रेडियल ड्रेनेज दिखने में कैसा होता है, रेडियल ड्रेनेज कुछ ऐसा होता है, दिखने में ऐसा टाइप का होता है रेडियल ड्रेनेज, ठीक है। ये है क्या चीज बता देते हैं, व्हेन द स्ट्रीम्स मूव इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हाई सेंट्रल पॉइंट इट फॉर्म्स एन रेडियल पैटर्न। कहने का मतलब क्या है, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर है, ये ना ऊंचा जगह, मतलब ऐसा है, यदि साइड से आप देखोगे तो कुछ ऐसा है, ठीक है, रेडियल।
अब यहाँ पे कुछ ग्लेशियर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। जब वो ग्लेशियर पिघलता है, जब वो बर्फ पिघलते हैं, तो पानी बन के वो आइदर यहाँ से बह सकते हैं, यहाँ से बह सकते हैं, यहाँ से बह सकते हैं, इस साइड से बह सकते हैं, इस साइड से भी बह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ, अगर सैटेलाइट से, अगर हम ऊपर ऊपर अगर सैटेलाइट से कोई कैप्चर करे इस चीज़ को, तो वो ऊपर से ऐसा ही दिखेगा कि ये सेंटर पॉइंट है जो हाई पॉइंट है, और यहाँ से पानी मतलब बर्फ पिघल के पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ऐसे करके डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है डायरेक्शन, सॉरी। ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यूजुअली दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज सीन इन द फ्लो ऑफ वोल्केनोस एज द लावा इमर्ज फ्रॉम वन सेंट्रल पॉइंट और क्रेटर। लाकोलिथ एंड डोम्स ऑल्सो फॉर्म रेडियल पैटर्न। इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोस इन डिफरेंट डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा कि जब सेंट्रल पॉइंट से पानी अलग अलग डायरेक्शन में बहना शुरू कर देती है, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसका जीता जाता बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से रिलेट करना चाहते हैं तो वो है अमरकंतक रेंज, ठीक है। जो अमरकंतक माउंटेन रेंज है ये रेडियल पैटर्न है, मतलब यहाँ से जितने भी नदियाँ शुरू होती है वो ऐसे पैटर्न बनाती है सैटेलाइट में, जो है सैटेलाइट इमेजरी में ऐसे पैटर्न जो है कैप्चर होते हैं, रेडियल पैटर्न कैप्चर होते हैं। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कैन वी सीन इन रिवर्स ऑफ अमरकंतक रेंज। अमरकंतक रेंज में जो नदियां पाए जाते हैं उनका जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो कैसा होता है? योर आंसर हियर विल बी रेडियल पैटर्न, ठीक है। और अक्सर अगर पूछ लिया जाए इसका जस्ट उल्टा, सवाल दो तरफा होता है, अगर सवाल घुमा के पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज और रिवर्स हैव रेडियल पैटर्न ड्रेनेज, अगर ऑप्शन में कहीं पे अगर आपने अमरकंतक रिवर्स का नाम सुना, रिवर्स ऑन अमरकंतक या फिर अमरकंतक रेंज, तो ऑब्वियसली वो ही हो जाएगा आपका आंसर, फाइन। तो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टाइम मैं अपना ये क्लास यहीं पे रख रहा हूँ। आई होप हमने जस्ट ये टॉपिक जो है ये शुरू किया है द ड्रेनेज पैटर्न, ये एक ही वीडियो में तो जाहिर सी बात है नहीं होने वाला, इसके काफ़ी सारे और भी पार्ट्स आएंगे, ठीक है। आज जितना आप लोग को मैंने ड्रेनेज पैटर्न पढ़ाया है, आई होप कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनते हैं और कैसे कैसे टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। ऐसा ही इंटरेक्टिव वीडियो अगर आप चाहते कि और भी आए तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बोलिए, और मैं ऐसे वीडियोस, इंटरेक्टिव टाइप के वीडियोस में हमेशा लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। एंड जो भी अपने करियर में जो है एक सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं और जिनको बहुत ही अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, यू हैव द नंबर ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ओके, प्लीज़ कॉल अस एनी टाइम। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट से मेरा यही निवेदन है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।